क्या होता है कंटेंट मार्केटिंग और क्या है डिज्नी की कंटेंट मार्केटिंग स्ट्रेटेजी, जानेंगे इस वीडियो में। मिकी माउस, अवेंजर्स, डोनाल्ड डक, स्टार वॉर्स, नेशनल ज्योग्राफिक, हॉटस्टार, डिज्नीलैंड, वो एक चीज जो इन सभी चीजों को जोड़ के रखती है वो है द वॉल्ट डिज्नी कंपनी, द कंपनी दैट सीम्स टू ओन जस्ट अबाउट एवरीथिंग इन द एंटरटेनमेंट वर्ल्ड। इस कंपनी की शुरुआत की थी मिस्टर वॉल्ट डिज्नी ने एज द डिज्नी ब्रदर्स कार्टून स्टूडियो अलॉन्ग विथ हिज ब्रदर रॉय डिज्नी इन द ईयर 1923। ये दोनों भाई उन दिनों में मिल के शॉर्ट लाइव एक्शन एनिमेटेड मूवीज बनाते थे। 16 अक्टूबर 1923 को वॉल्ट डिज्नी ने अपने पहले क्रिएशन एलिस वंडरलैंड की डिस्ट्रीब्यूशन राइट्स बेची थी टू अ न्यूयॉर्क बेस्ड डिस्ट्रीब्यूटर कॉल्ड एमजे विंकलर विद एन अग्रीमेंट टू मेक 6 मूवीज कॉल्ड एलिस कॉमेडीज। एलिस के बाद वॉल्ट डिज्नी ने एक और एनिमेटेड कैरेक्टर बनाया था विच वॉज कॉल्ड ऑसवर्ल्ड द लकी रैबिट। एक साल में वॉल्ट डिज्नी ने ऑसवर्ल्ड की 26 मूवीज बनाई थी। इस एक साल बाद वॉल्ट डिज्नी को यह पता चलता है कि ऑसवर्ल्ड कैरेक्टर का जो डिस्ट्रीब्यूटर था उसने वॉल्ट डिज्नी को चीट किया था और उसने ऑसवर्ल्ड के सभी राइट्स अपने पास रख लिए थे। वॉल्ट डिज्नी नो मोर हैड द राइट टू द ऑसवर्ल्ड कैरेक्टर। इसी के साथ साथ उस डिस्ट्रीब्यूटर ने मिस्टर डिज्नी के जितने भी एनिमेटर्स थे उन्हें हायर किया था और वो उनके साथ मूवीज बनाता था एट लो प्रोडक्शन कॉस्ट विदाउट द हेल्प ऑफ वॉल्ट डिज्नी। ये वॉल्ट डिज्नी के करियर का सबसे पहला लेसन था और उन्होंने ये ठान लिया था कि इसके बाद वो जितने भी कैरेक्टर्स बनाएंगे वो उनकी राइट्स और ओनरशिप्स खुद के पास ही रखेंगे। 1928 में वॉल्ट डिज्नी मेक्स हिज मोस्ट आइकॉनिक कैरेक्टर द मिकी माउस। मिकी माउस की पहली दो मूवीज साइलेंट मूवीज थी और मिकी माउस की जो थर्ड मूवी थी विच वॉज कॉल्ड स्टीमबोट विली वॉज मेड विथ फुल्ली सिंक्रोनाइज साउंड। ये मूवी एक इंस्टेंट हिट हुई और अगले 10 सालों में 1932 और 1942 के बीच एवरी ईयर अ डिज्नी कार्टून वन एटलीस्ट वन ऑस्कर अवार्ड और ओवर द ईयर्स वॉल्ट डिज्नी ने कई सारे आइकॉनिक कैरेक्टर्स क्रिएट किए हैं इन एडिशन टू मिकी माउस सच एज पिनोक्यो, स्नो वाइट एंड द सेवन ड्वार्फ्स, डोनाल्ड डक, मिनी माउस एंड द लिस्ट गोज ऑन एंड ऑन। वॉल्ट डिज्नी की बनाई हुई मूवीज ने कुल मिलाकर आज तक 32 अकेडमी अवार्ड जीते। वॉल्ट डिज्नी अपने सभी क्रिएशंस को कंटिन्यूसली प्रमोट और मार्केट करने के लिए जाने जाते थे। उन्होंने अपने सभी कैरेक्टर्स और थीम पार्क्स को प्रमोट किया था विद द हेल्प ऑफ कंटेंट मार्केटिंग इन द अर्ली 1950s। सो व्हाट डू यू मीन बाय कंटेंट मार्केटिंग? बहुत ही सिंपल वर्ड्स में कंटेंट मार्केटिंग मीन्स यूजिंग अ पीस ऑफ कंटेंट टू अट्रैक्ट, रिटेन एंड एंगेज योर ऑडियंस। वो पीस ऑफ कंटेंट एक मूवी भी हो सकती है, एक वीडियो हो सकता है, सोशल मीडिया पोस्ट हो सकता है, एक ब्लॉग पोस्ट हो सकता है। बेसिकली एनी पीस ऑफ कंटेंट दैट हेल्प्स इन क्रिएटिंग अ टॉप ऑफ द माइंड रिकॉल फॉर योर प्रोडक्ट। और डिज्नी की कंटेंट मार्केटिंग स्ट्रेटेजी जानने से पहले लेट्स हैव अ लुक एट डिज्नीज मार्केटिंग मिक्स व्हिच बेसिकली इंक्लूड्स द 4 पीस ऑफ मार्केटिंग। प्रोडक्ट वो चीज है जिसके लिए आपका ब्रांड मार्केट में जाना जाता है। इट इज बेसिकली द थिंग दैट यू सेल। और जैसा कि हम सब जानते हैं डिज्नी एक बहुत ही ज्यादा डाइवर्सिफाइड बिजनेस कंग्लोमरेट है। इट इज नोन टू अक्वायर कंपनीज इन डिफरेंट इंडस्ट्रीज एंड हैव अ वेरी लार्ज प्रोडक्ट लाइन। इसीलिए डिज्नी के जो प्रोडक्ट्स हैं उनको 4 मेजर कैटेगरीज में डिवाइड किया जा सकता है एंड दोज 4 कैटेगरीज आर मीडिया नेटवर्क्स, स्टूडियो एंटरटेनमेंट, पार्क्स एंड रिजॉर्ट्स एंड फाइनली कंज्यूमर गुड्स एंड इंटरैक्टिव मीडिया। डिज्नी ने अपनी शुरुआत एज अ मीडिया एंड एंटरटेनमेंट कंपनी की थी लेकिन ओवर द ईयर्स डिज्नी केप्ट ऑन अक्वायरिंग डिफरेंट बिजनेसेस एंड केप्ट एंटरिंग इनटू न्यू इंडस्ट्रीज। और डिज्नी का ये कहना है कि वो आगे फ्यूचर में भी और कंपनीज को अक्वायर करते रहेंगे और अपनी प्रोडक्ट लाइन को और ज्यादा एक्सपैंड करते रहेंगे। प्राइस इज बेसिकली द मॉनेटरी रिटर्न यू गेट फॉर योर प्रोडक्ट। प्राइस वो रेम्यूनरेशन होता है जो आप अपनी ऑडियंस से अपने प्रोडक्ट के लिए चार्ज करते हैं। एक हाईली डाइवर्सिफाइड कंग्लोमरेट होने की वजह से डिज्नी कई सारी बिजनेस इंडस्ट्रीज में ऑपरेट करता है। इसी वजह से डिज्नी की प्राइसिंग स्ट्रेटेजीज भी डिफर करती है बेस्ड ऑन द इंडस्ट्री। ब्रॉडली स्पीकिंग डिज्नी की प्राइसिंग स्ट्रेटेजी को 2 हिस्सों में बांटा जा सकता है। फर्स्ट इज द मार्केट बेस्ड प्राइसिंग स्ट्रेटेजी
and the second is the value oriented pricing strategy. Now market based pricing strategies use ki jati hai for the ticket sales of movies, जहाँ पे prices market standards और popular trends पे depend करते हैं. यहाँ पे Disney को strictly market trends के हिसाब से operate करना पड़ता है. इसी वजह से Disney का ज़्यादा control नहीं होता है over the pricing of its movie tickets. Second जो होता है, that is the value-based pricing strategy. Now this strategy is used for the sale of physical goods such as soft toys in Disney theme parks and retail stores. यहाँ पे डिज्नी का प्राइसिंग स्ट्रेटेजी पे ज्यादा स्ट्रॉन्ग होल्ड होता है एंड दैट इज बिकॉज द प्राइसिंग इज बिकॉज ऑफ द एक्चुअल और परसीव्ड वैल्यू ऑफ द प्रोडक्ट. डिज्नी इस प्राइसिंग स्ट्रेटेजी से अपना प्रॉफिट मार्जिन बढ़ा भी सकता है, क्योंकि अगर किसी भी प्रोडक्ट का मार्केट में कोई ईजी सब्सिट्यूट ना हो तो डिज्नी कैन ईजिली इंक्रीज द प्राइस ऑफ दैट प्रोडक्ट इन ऑर्डर टू अर्न अ हायर प्रॉफिट मार्जिन. प्लेस वो मीडियम होता है जिसके थ्रू आप अपना प्रोडक्ट बेचते हैं. इट इज अ प्लेटफॉर्म ऑन विच योर ऑडियंस इंटरैक्ट्स विथ योर ब्रांड. एक हाईली डाइवर्सिफाइड बिजनेस होने के वजह से डिज्नी की प्लेसमेंट स्ट्रेटजी भी काफी डाइवर्स है एंड इट कैन बी ब्रॉडली डिवाइडेड इनटू 5 कैटेगरीज विच इंक्लूड मूवी थिएटर्स, डिज्नी स्टोर्स, मोबाइल एप्स, वेबसाइट्स एंड लाइसेंसीज एंड अदर पार्टीज. आपको अपना प्रोडक्ट पता है, उस प्रोडक्ट का प्राइस पता है, उस प्रोडक्ट को कहाँ बेचना है ये पता है, लेकिन वो प्रोडक्ट तब तक नहीं बिकेगा जब तक कोई कस्टमर उसे खरीद ना ले, और कोई कस्टमर उस प्रोडक्ट को तब तक नहीं खरीदेगा जब तक आप उस प्रोडक्ट को प्रमोट नहीं करेंगे. दिस इज वेयर द प्रमोशनल मिक्स कम्स इन. प्रमोशनल मिक्स आपकी हेल्प करता है इन डिसाइडिंग द लैंग्वेज इन विच यू विल कम्युनिकेट विथ योर ऑडियंस इन ऑर्डर टू सेल योर प्रोडक्ट. एंड द मोस्ट कॉमन प्रमोशनल मीडिया यूज्ड by Disney include advertisements, direct selling, sponsorship, sales promotions and public relations. Speaking about promotions, now let's look at the various marketing strategies employed by Disney. Disney kis tarah content marketing ki madad se apne products ko promote karta hai. Disney ke founder Walt Disney ne content marketing use karna shuru kiya tha in the year 1954 jab unhe California mein ek theme park banana tha. थीम पार्क बनाने से पहले उन्होंने एबीसी नाम की एक ब्रॉडकास्टिंग कंपनी को अप्रोच किया फॉर फाइनेंसिंग. एबीसी कंपनी ने वॉल्ट डिज्नी के साथ एक डील साइन की थी अंडर विच दे वुड मेक अ फिल्म कॉल्ड डिज्नीलैंड. वो इस फिल्म में थीम पार्क की बिहाइंड द सीन जर्नी और कंस्ट्रक्शन को पूरी तरह डॉक्यूमेंट करने वाले थे. इसी के साथ वो और भी मिनी सीरीज और डॉक्यूमेंट्रीज और थिएट्रिकल रिलीजेस दिखाने वाले थे. अब ये डॉक्यूमेंट्री जनरल पब्लिक में बहुत ही ज्यादा हिट हो गई. 17 जुलाई 1955 को इस थीम पार्क को फर्स्ट टाइम ओपन किया गया ओनली फॉर द मीडिया पीपल. लेकिन वो डॉक्यूमेंट्री जनरल पब्लिक में इतनी पॉपुलर हो गई कि मीडिया से ज्यादा जनरल पब्लिक वहां पे आ पहुंची एंड दैट इवेंट वुड नॉट बी ऑपरेटेड वेरी स्मूथली. और नेक्स्ट डे इस पार्क को फाइनली जनरल पब्लिक के लिए भी खोला गया. और ड्यू टू द हाई पॉपुलैरिटी एंड द इंटरेस्ट विच वॉज जनरेटेड थ्रू द डॉक्यूमेंट्री, लोग डिज्नीलैंड में एंट्री लेने के लिए अर्ली मॉर्निंग से ही लाइन लगाना शुरू कर दिए. डिज्नी कंपनी का हमेशा से ये मानना रहा है कि यू शुड से स्टोरीज फर्स्ट, सेल प्रोडक्ट्स सेकेंड. एज स्टूडेंट्स ऑफ मार्केटिंग हमें भी हमेशा ये सिखाया जाता है कि मार्केटिंग एंड ब्रांड बिल्डिंग इज ऑल अबाउट स्टोरी टेलिंग. ब्रांड्स यूजुअली पहले प्रोडक्ट्स बनाते हैं और उसके बाद कंटेंट क्रिएट करते हैं इन द फॉर्म ऑफ एडवर्टाइजमेंट एंड सोशल मीडिया इन ऑर्डर टू सेल दैट प्रोडक्ट. डिज्नी उल्टा करता है. डिज्नी फर्स्ट क्रिएट्स कंटेंट इन द फॉर्म ऑफ मूवीज एंड देन इट सेल्स प्रोडक्ट्स इन द फॉर्म ऑफ मर्चेंडाइज विच आर बेस्ड ऑन दोज मूवीज. फॉर एग्जाम्पल द मूवी फ्रोजन, जिसमें कैरेक्टर है एल्सा. एल्सा डॉल्स आपको स्टोर्स के शेल्फ्स पे मिलेगी आफ्टर यू हैव वॉच्ड द मूवीज इन थिएटर्स एंड एक्सपीरियंस द स्टोरी बिहाइंड द कैरेक्टर थ्रू द मूवी फ्रोजन. सेम कैन बी सेड अबाउट द मार्वल मूवीज एज वेल. पॉपुलर कैरेक्टर्स सच एज आयरन मैन और कैप्टन अमेरिका के एक्शन फिगर्स आपको स्टोर्स पे मिलेंगे आफ्टर यू हैव वॉच्ड द मूवी एंड एक्सपीरियंस द स्टोरी बिहाइंड दोज कैरेक्टर्स. एंड क्योंकि डिज्नी इतने सारे आइकॉनिक कैरेक्टर्स को पहले से ओन करता है, इट
रियली हेल्प्स इन हैविंग अ स्टोरी बिहाइंड ईच एंड एवरी कैरेक्टर. और ये स्टोरीज बहुत ही इंस्पिरेशनल और रिलेटेबल होती है, विच मेक्स इट वेरी इजी फॉर द ऑडियंस टू कंज्यूम देम. डिज्नी की ये स्टोरी टेलिंग ओवर टाइम इवॉल्व भी होती रहती है अकॉर्डिंग टू द करंट ट्रेंड्स. फॉर एग्जाम्पल, इनसाइड आउट मूवी को प्रमोट करने के लिए डिज्नी ने एक सीरीज ऑफ मीम्स क्रिएट किए थे जो कि दिखने में काफी फनी लगते थे, बट वो काफी स्ट्रेटेजिकली क्रिएट किए गए थे बेस्ड ऑन द करंट टॉपिक्स ऑफ इट्स टाइम्स. एंड दोज मीम्स ऑल्सो हेल्प इन क्रिएटिंग अ सर्टन ब्रांड आइडेंटिटी फॉर द मूवी एंड फॉर द कैरेक्टर्स इन द मूवी. वॉल्ट डिज्नी की आउट ऑफ द बॉक्स थिंकिंग और टेक्निकल एक्सपर्टीज ने उनके कैरेक्टर्स और ऑडियंस के बीच में एक इमोशनल बॉन्ड सा क्रिएट किया था, और यही इमोशंस आज भी डिज्नी की हर मूवी और स्टोरी में देखने मिलते हैं. इतनी आइकॉनिक कंपनी होने के वजह से डिज्नी इज एबल टू लेवरेज द फीलिंग ऑफ नॉस्टैल्जिया अमंग्स ऑल इट्स व्यूअर्स, और इससे डिज्नी की ब्रांड लॉयल्टी और भी ज्यादा बढ़ जाती है. डिज्नी ने ब्यूटी एंड द बीस्ट और जंगल बुक जैसी आइकॉनिक मूवीज को रीमेक किया इन ऑर्डर टू इन्वोक द फीलिंग ऑफ नॉस्टैल्जिया अमंग इट्स व्यूअर्स. अपने री-रिलीज पर जंगल बुक ने डिज्नी को 900 मिलियन रेवेन्यू जनरेट करके दिया. ब्यूटी एंड द बीस्ट में भी डिज्नी ने पुरानी मूवी के सॉन्ग्स, म्यूजिक्स और कुछ प्लॉट पॉइंट्स को रिपीट किया इन ऑर्डर टू मेक द ऑडियंस फील नॉस्टैल्जिक. डिज्नी ने अपने थीम पार्क को दुनिया के हर बच्चे के लिए एक सेक्रेट हॉलिडे डेस्टिनेशन बना दिया है. डिज्नी अपने थीम पार्क्स में कुछ ऐसे एक्सपीरियंसेस ऑफर करता है टू द किड्स एंड देयर फैमिलीज कि एक ही फैमिली के हर जनरेशन का हर मेंबर बार बार डिज्नीलैंड वापस जाना चाहता है. इन एडिशन टू दिस, डिज्नी रेगुलरली अपने थीम पार्क्स के हर एक्सपीरियंस को अपग्रेड करता रहता है सो दैट यू गेट समथिंग न्यू एवरी टाइम यू विजिट. क्योंकि डिज्नी की टारगेट ऑडियंस इतनी बड़ी है, इसी वजह से डिज्नी यूजेस अ मल्टी चैनल मार्केटिंग अप्रोच टू रीच आउट टू वेरियस सेगमेंट्स ऑफ द ऑडियंस. डिज्नी रेगुलरली कंटेंट मार्केटिंग की मदद से एक यूनिक कंटेंट स्ट्रेटजी यूज करता है फॉर एवरी चैनल ऑफ कम्युनिकेशन. एवरी सिंगल आइकॉनिक कैरेक्टर ऑफ डिज्नी हैज इट्स ओन सोशल मीडिया पेज विद हिज ओन सेट ऑफ फॉलोअर्स. स्टार वॉर्स के इंस्टाग्राम पेज पे मोर देन 15 मिलियन फॉलोअर्स है, विच इंक्लूड बोथ जेन जीज एज वेल एज द मिलेनियल्स. फ्रोजन मूवी क्योंकि स्मॉल किड्स या छोटे बच्चों को टारगेट करती है, और छोटे बच्चे क्योंकि सोशल मीडिया पे प्रेजेंट नहीं होते हैं, इसीलिए फ्रोजन मूवी को प्रमोट करने के लिए डिज्नी सोशल मीडिया या डिजिटल मार्केटिंग से ज्यादा ऑफलाइन टैक्टिक्स पे ज्यादा फोकस करता है, सच एज सेलिंग टॉयज एंड मर्चेंडाइज. एंड फ्रोजन डॉल्स, फ्रोजन मूवी की जो डॉल्स है, एल्सा डॉल्स है, दोज डॉल्स हैव क्रिएटेड $500 मिलियन इन रेवेन्यू फॉर डिज्नी. इन एडिशन टू द यूनिक एक्सपीरियंसेस, एक और चीज जो डिज्नीलैंड को अपने कॉम्पिटिशन से स्टैंड आउट करने में हेल्प करती है वो है उसकी यूनिक थीम और ब्रांड आइडेंटिटी. ऑन एंटरिंग एनी डिज्नीलैंड थीम पार्क, ऑडियंस को ऑटोमेटिकली एक फीलिंग आती है कि दे आर इन डिज्नीलैंड. डिज्नी अपने सभी थीम पार्क्स में एक कॉमन थीम और ब्रांड पर्सोना को फॉलो करता है एज पार्ट ऑफ द कस्टमर एक्सपीरियंस. और इस बात का सबसे बड़ा प्रूफ है डिज्नीलैंड की टैगलाइन विच सेज इट इज द हैप्पीएस्ट प्लेस ऑन अर्थ. क्योंकि कस्टमर्स इतने सारे पॉइंट्स पे डिज्नी एज अ ब्रांड के साथ इंटरेक्ट करते हैं, इट बिकम्स ऑल द मोर इम्पॉर्टेंट टू हैव a common and consistent brand persona. So, वो क्या lessons है जो हम Disney की इस marketing strategy से सीख सकते हैं? Lesson number one is the importance of storytelling. हर brand को ये accept कर लेना चाहिए कि उनकी जो target audience है, they are ultimately human beings, and human beings respond to emotions and stories. क्योंकि Disney अपने हर character और अपनी हर product के through एक story narrate करता है, it becomes extremely easy to generate trust and brand loyalty amongst its customers. Lesson number two is multi-channel marketing. हर एक brand के लिए बहुत ही जरूरी होता है कि वो ये find out करे कि उसकी target audience किस किस communication channel पर available है. और Disney की तरह अगर आप भी एक बहुत ही बड़ी target audience को और एक बहुत ही diverse target audience को target करते हैं, तो it is very important for you that you are present on all those communication channels, on all those media where your
टारगेट ऑडियंस इज अवेलेबल, ताकि आप उनसे सही तरीके से सही फॉर्म में कम्युनिकेट कर पाए इन ऑर्डर टू ग्रैब देयर अटेंशन। लेसन नंबर 3 इज मेक योर ब्रांड द हीरो। अगर आपको अपने ब्रांड के लिए ब्रांड लॉयल्टी जनरेट करनी है, तो आपको अपने उस ब्रांड के लिए पहले एक ब्रांड पर्सोना बनाना पड़ेगा और उस ब्रांड पर्सोना को सेंटर में रखना पड़ेगा इन ऑल योर मार्केटिंग कम्युनिकेशन। दिस इज एग्जैक्टली व्हाट डिज्नी डज विद डिज्नीलैंड बाय कॉलिंग इट द हैप्पीएस्ट प्लेस ऑन अर्थ एंड बाय प्रोवाइडिंग अ हैप्पी एक्सपीरियंस टू द कस्टमर्स एवरी टाइम दे विजिट। सो दैट्स इट फ्रॉम माई साइड इन दिस वीडियो। अगर आपको आज का ये वीडियो वैल्यूएबल लगा हो, अच्छा लगा हो, सो प्लीज उसे एटलीस्ट एक और जन के साथ शेयर कीजिएगा। प्लीज ऑल्सो लाइक, कॉमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब। मैं मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में।